एट सी एफ ऑफ 12 एंड 15। इसको आप कर सकते हैं कि पहले फैक्टर ऑफ 12 फाइंड करेंगे, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 12। फैक्टर ऑफ 12 फाइंड करने का तरीका जो ये है कि 1 टाइम्स 12 इक्वल्स टू 12 होता है, देन फिर उसके बाद 2 टाइम्स बाय 6 इक्वल्स टू 12। 12 हमें बनाना है, सही है, इधर इक्वल्स टू 12 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 के बाद होता है 3, 3 टाइम्स 4 इक्वल्स टू 12, फिर उसके बाद 3 के बाद फिर 4 की बारी आती है, 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, इससे आगे नहीं करेंगे इसको। ये हो गया हमारे पास के फैक्टर ऑफ 12, तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इसी तरह 15 के फैक्टर बनाएंगे, सही, 1 टाइम्स 15 इक्वल्स टू 15, 2 टाइम्स 15 नहीं आता, 2 15 में नहीं आता, सो इसलिए छोड़ देंगे। 3 में चेक करेंगे तो 3 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 15 होता है, उसके बाद 4 नहीं आता, 5 अगेन 5 हमारे पास पहले से था, तो इसलिए बस ये ख़त्म हो जाता है। ये सिर्फ इसके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 15 जो है वो 1, 3, 5 और 15 है। अब आपने इसमें से देखना है कि कौन सा शुरू का नंबर इसमें मैच करता है, 1 को नहीं लेंगे, इसके अलावा कोई भी देख सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे 2 है और यहाँ पे नहीं है, लेकिन 3 इधर भी है और इधर भी है, तो ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि 3 था। इस क्वेश्चन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं एच सी एफ को, वो आंसर है 3।